मैं आप सबके बीच आई हूँ, और मैं एक बार पुनः फिर से आप सभी का, जो मुझे आज सुन रहे हैं, चाहे YouTube है और चाहे Zoom पे लाइव है, सभी का स्वागत करना चाहूंगी। और धनराज सर, आपका भी थैंक्स, आपने मुझे बुलाया। और हम बात कर रहे हैं एक राष्ट्रीय स्तर के बड़े अभियान की, जिसका मकसद है एक नए भारत का निर्माण। हमारी जो संस्था है नए भारत का निर्माण कर रही है, और उसमें पूरे देश से लाखों लोग सेवक बनकर इस अभियान के साथ अपनी सेवा दे रहे हैं। उसकी मैं भी एक छोटी सी सेविका हूँ। मेरा नाम नूतन राठी, मैं मुजफ्फरनगर उत्तर प्रदेश से हूँ, और इस खूबसूरत से अभियान में मैं भी काम कर रही हूँ। और इस अभियान के तीन प्रमुख उद्देश्य हैं, पहला स्वास्थ्य रक्षा, स्वालंबन और महिला सशक्तिकरण। तो मेरी इसमें स्टोरी भी रहेगी, मैं अपनी स्टोरी भी रखूंगी, और थोड़ा सा इसी के ऊपर हम बातचीत करेंगे आज। तो सबसे पहले स्वास्थ्य रक्षा की हम बात करें, क्योंकि जैसे माना जाता है 10 में से 5 व्यक्ति को स्वास्थ्य संबंधी समस्या से जूझ ही जूझ रहे हैं। हम भी अगर अपने आस पड़ोस की बात करें, तो हर गली मोहल्ले में कोई ना कोई हमें ऐसा दिखाई देगा जो आज स्वस्थ नहीं है, जिसके पीछे मेन कारण है हमारा खान पान। क्योंकि पहले हम ऐसा खाना नहीं खाते थे, इसमें दो आपको दी गई है थाली, एक जो पहले हम खाया करते थे सादा भोजन, और जो आज पूरा समाज लगा है अपना खाने में, जैसे इसमें दिखाई दे रहे सैंडविच, बर्गर, तला भुना, जंक फूड, इसकी वजह से हमारा सेहत खराब हो रहा है। और जिनके पीछे सेहत खराब होने के पीछे ये भी एक कारण है, आए दिन अखबार में आप नोटिस आते ही रहते हैं कि धनिया में मिले आपको लकड़ी का बरूदा, मिर्च में मिला लाल रंग, घी की फैक्ट्री सील, मिलावट का धंधा जोरों से चल रहा है। तो ये आए दिन आपको सुनने को मिलता है। और जो हम महिलाओं का विशेष तौर पे जो पसंदीदा प्रोडक्ट है कॉस्मेटिक का, उसमें भी यहाँ खतरनाक रसायन मिले होते हैं, जिस पे लिखा भी है इसमें सौंदर्य सामग्री में खतरनाक रसायनों का इस्तेमाल। तो उनकी वजह से हमारा स्किन भी खराब हो रही है, हमारा चेहरा भी खराब हो जाता है, जिससे हमारा विश्वास छूट जाता है। लेकिन सल्यूशन है हमारे पास, हमारी संस्था के पास सल्यूशन है। हम हमारा खाना पीना भी अच्छा हो, स्वस्थ हो, और हर घर 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 जन जन सुखी रहे, स्वस्थ रहे। और इसी में शानदार श्रृंखला हमारे पास है, जो हर एक प्रोडक्ट पक्के बिल के साथ मिलता है, जिससे प्योरिटी की 100% गारंटी रहती है। और हमारी महिलाओं के खूबसूरती के प्रोडक्ट भी यहाँ पे नो हार्मफुल केमिकल वाले आते हैं, या तो उसमें केमिकल बिल्कुल नहीं है, अगर है तो नाम मात्र को, तो वो भी नो फ्री केमिकल लिखा हुआ आता है हमारे प्रोडक्टों पे, नो हार्मफुल केमिकल। तो आप समझ सकते हो, जब लिख के दे रही है कंपनी, तो आपको 100% विश्वास कीजिए, क्योंकि पक्के बिल के साथ हमारे यहाँ प्रोडक्ट आते हैं। आगे मैं बात करूं, जो हमारे खान पीन की वजह से हमारे अंदर पोषक तत्वों की कमी रहती है, उन पोषक तत्वों को जो हम खाने से नहीं मिलता, हमारी थाली में हमें पूरा प्रोटीन नहीं मिलता, हमारे थाली में हमें ओरिजिनोल नहीं मिलता, हमारी थाली में तुलसी गिलोय नहीं मिलता, तो वो सारे के सारे प्रोडक्ट हमारे पास हैं और यूनिक हैं। अगर मैं एक-एक प्रोडक्ट की भी बात करूं, हर प्रोडक्ट शानदार है, जीरो से लेके, जो बच्चा आज दुनिया में भी नहीं आया, बस अपनी माँ के गर्भ में है, तब से लेके तब तक मुंह से खाना खाता है, तब तक के प्रोडक्ट, यानी के लास्ट मरते दम तक, तब तक वो मुंह से खाना ले रहा है, तब तक के प्रोडक्ट हमारे पास आते हैं, जिससे वो स्वस्थ रह सके। आइए मैं आपको एक, जो हमारी सदी के महानायक, आजकल कई ये बार क्या कहते हैं, लोगों से जब मिलता हूं, खासतौर से जो लोग हमारे व्यवसाय में हैं, वो कहते हैं, बच्चन साहब 74 वर्ष के हो गए, अब आप कितना और काम करेंगे, छोड़ दीजिए, अब नाती पोते हैं, उनके साथ अपना समय बिताइए, काम वाम करना हो गया, क्यों इतना काम कर रहे हैं आप।
मैंने उनसे कहा कि जब तक न्यूट्री चार्ज खाता रहूंगा तब तक काम करता रहूंगा, और आपको बताना चाहता हूं कि यही एक यंत्र है जिसकी वजह से मुझे शक्ति मिलती है कि मैं आगे भी काम करता रहूं और अपने काम से आपको प्रभावित करने का प्रयत्न करूंगा। और एक बार मेरे साथ बोलिए आप, मेरा चार्ज। तो हमने सुनी हमारे अमिताभ बच्चन जी ने क्या कहा कि जब तक न्यूट्री चार्ज लेता रहूंगा काम करता रहूंगा। ये हमें भी, हम महिलाओं भी, इतनी दौड़ भाग रहती है सारा दिन, घर का भी काम है, अपने आरसीएम में भी जैसे सक्रिय हो गई है तो इस पे भी हम काम कर रही हैं। अगर मैं देखूं अपने बच्चों के पीछे भी दौड़ रही है, अपने किचन में भी दौड़ रही है, अपनी टीम के साथ भी दौड़ रही है, क्योंकि वो मल्टीटास्किंग है और वो अपने सारे काम करते हुए, तो इसलिए उसको तो सबसे ज्यादा प्रोटीन की जरूरत है। तो वो PVMF जो ब्रेकफास्ट हमारा होता है उससे अगर हम शुरुआत करें तो पूरा दिन हम महिलाएं चार्ज रहती है। अब हम बात करें स्वालंबन की, उससे पहले समस्या पे ध्यान देंगे। तो समस्या आपको के सामने एक छोटे सी पोस्ट से मैं दिखा रही हूँ, झाड़ू लगाने की नौकरी पाने को दौड़े BA MA डिप्लोमा धारी, 50 लाख जॉब लॉस्ट हो चुकी है 2 साल में, चपरासी के पद थे 62 और आवेदन पहुंचे 93,000, जिसमें से PhD होल्डर भी 3,740 थे। तो आप देख सकते हैं जॉब का आंकड़ा कहाँ जा रहा है। लेकिन यहाँ पे हम, हमारी संस्था लोगों को स्वालंबी बना रही है। तो मैं अपनी छोटी सी जर्नी के माध्यम से आपको बताना चाहूंगी मैं कैसे स्वालंबी बनी इस संस्था के माध्यम से। मैं इस में जुड़कर, इसके गतिविधियों में साथ साथ रहकर मैं कैसे आगे बढ़ रही हूँ, थोड़ी सी मैं अपनी स्टोरी के माध्यम से बताना चाहूंगी। क्योंकि जब एक हाउस वाइफ बिजनेस वुमेन बन सकती है तो कोई भी बन सकती है। थोड़ा उस पे हम मैं चर्चा करूंगी अपनी स्टोरी के माध्यम से। ये मेरा छोटा सा परिवार, ये शादी से पहले मेरा परिवार, मेरी बहनें, मेरा भाई, मेरे पापा और मेरी मम्मी की जो आखिरी तस्वीर है वो मेरे पास यही है। हम भाई बहनों के पास मम्मी की जो आखिरी तस्वीर, मैं छोटी थी 2.5 साल की, तब मेरी मम्मी का देहांत हो गया था। और कहते हैं जब मम्मी नहीं होती तो बहुत सारी बच्चों में कम्युनिकेशन आ जाता है, तो मेरे अंदर था आत्मविश्वास की कमी। मैं अपने आप के ऊपर विश्वास बिल्कुल भी नहीं करती थी, मुझे नहीं लगता था मैं कभी कुछ कर पाऊंगी, कुछ बन पाऊंगी। मेरे अंदर आत्मविश्वास बिल्कुल खत्म हो गया था। फिर मेरी शादी हुई राठी जी से, और शादी के बाद हमारी जर्नी की शुरुआत हुई। और शादी भी हमारी इसलिए हुई थी क्योंकि राठी जी आरसीएम करते थे, और जब मेरे जीजा जी, इनकी रॉयल्टी आई तो मेरे जीजा जी ने शादी इनसे कराई क्योंकि ये रॉयल्टी पे आ गए थे, और वो भी उस टाइम पे आरसीएम करते थे। आज वो नहीं करते लेकिन उस टाइम पे वो आरसीएम करते थे, और उनको उस टाइम समझ में थी आरसीएम की ताकत, और आरसीएम की ताकत समझ में आ गई थी इसलिए उन्होंने सोचा कि मैं इसकी जिंदगी संवारूं। अपनी मतलब बहन थी मैं उनकी, उनके इसको ऐसी शादी कराऊं जिससे ये सारी जिंदगी खुश रह सके, इसके सारे सपने पूरे हो सके। क्योंकि मैं अपने अंदर की भावनाएं, अपने अंदर की भावना व्यक्त करना नहीं जानती थी, अपने बारे में किसी से बात भी नहीं करना चाहती थी कि मेरी कोई बात सुने या मेरे लिए कोई कुछ करे। तो उन्होंने सोचा कि आरसीएम से बढ़िया जिंदगी इसको नहीं मिल सकती। और जब मेरी शादी हुई, इन्होंने सबसे पहला मुझे जो प्रोग्राम दिखाया और मुझे ये कह के ले गए कि चलो मेरठ चलते हैं, क्योंकि मेरे यहाँ मुजफ्फरनगर के नजदीक ही मेरठ आता है, कि चलो मेरठ चलते हैं और वहां पे तुम्हें फिल्म दिखा के लेके आने वाला हूँ। मैंने सोचा चलो पहली बार जिंदगी में फिल्म देखने जा रहे हैं, अच्छी होगी, चलो देख लेते हैं। मैंने कभी पिक्चर हॉल नहीं देखा था उससे पहले। तो जैसे ही हम मेरठ गए और वहां पे मैंने भीड़ देखी, मैंने कहा पिक्चर में तो भीड़ काफी अच्छी है, और जब वहां पे अंदर जाके देखा
समझ में आ गया, यानी कि ये पिक्चर नहीं है, कुछ और होने वाला है। तो जब इनका स्टेज पे नंबर आया और सर से पूछा गया, आप का बारे में पूछा गया और उन्होंने व्यू दिया, उन्होंने अपने व्यू में रखा, जब रॉयल्टी वाले जानते हैं, उन्होंने व्यू में रखा कि मेरा जो आरसीएम है फर्स्ट प्रायोरिटी पे है। तो मैंने उस दिन से ठान लिया, जब फर्स्ट प्रायोरिटी पे आरसीएम इनके हो सकता है, तो नूतन तुझको भी आरसीएम को फर्स्ट प्रायोरिटी पे रखना है। क्योंकि हम लड़कियों को कह के भेजा जाता है ससुराल कि बेटा अब वही तेरा जीवन है, जैसे वो कहेंगे ऐसे चलना है। तो जब उन्होंने कहा फर्स्ट प्रायोरिटी पे आरसीएम, मैंने भी सोचा फर्स्ट प्रायोरिटी पे आरसीएम, तो मैंने भी इसको फर्स्ट प्रायोरिटी माना। क्योंकि उस टाइम ये रात रात को आया करते थे, देर से मीटिंग में आया करते थे। मैं कभी इनसे क्वेश्चन नहीं किया, आप कहाँ जा रहे हैं, क्यों जा रहे हैं, इतनी लेट क्यों आ रहे हैं। अपना मैं पर्दे के पीछे, इनके पीछे पीछे चलती रही, काम करती रही। आके ये बताते थे आज इतने इतने ये नाम लिख लो, ऐसे लिख लो, ये लिस्ट बना लो, तो मैं सारे काम कर दिया करती थी, लेकिन कहीं भी मेरी पहचान नहीं थी। धीरे धीरे कीसोल आया, और कीसोल आने से पहले ही राठी जी को लगा कि कुछ लॉन्च होने वाला है, लेकिन विशेष तौर पे महिलाओं के लिए ही होगा। राठी जी ने कहा बहुत दिन हो गए आपको पीछे रहते रहते, अब आपको आना पड़ेगा, क्योंकि महिलाओं के लिए ही वहां पे एक फंक्शन हो रहा है। अगर आप नहीं आएंगी तो कैसे मैं करूंगा, मुझे अब आपका पूरा सपोर्ट चाहिए पर्दे के आगे। मैंने कहा मैं तो कुछ जानती नहीं हूँ, किसी को जानती नहीं, पहचानती नहीं, बोलना नहीं जानती, यहाँ तक कि मेरे जो अपलाइन है वो मीनू भाभी, वो जब मुझसे नाम पूछा उन्होंने पहली बार, तो उन्होंने पूछा उससे नाम क्या है, तो मैंने 10 बार सोचा था मेरा नाम क्या है, मैं इतनी साय थी, तो कैसे करूंगी ये। उन्होंने मुझे हिम्मत दी कि जो तू पूरा दिन किचन का काम करती, मैंने कहा किचन से फुर्सत नहीं है, बच्चों से फुर्सत नहीं है। मेरे हस्बैंड ने मुझे हिम्मत दी, बोला जो तू पूरे दिन में काम करती है, इस काम को मैं 2-3 हजार रुपए देकर भी करा सकता हूँ, और जो तेरे अंदर खूबी है लाखों करोड़ों कमाने की, वो मैं कहाँ से लेके आऊंगा, ये काम तो छोटा सा ही है जो तू पूरा दिन अपना वेस्ट करती है। तो मैं चाहती हूँ जितने लोग भी आज मुझे सुन रहे हैं, उनके साथ उनकी वाइफ भी जरूर बैठे, अगर भाई मेरे सुन रहे हैं तो भाभिया भी जरूर बैठे, और भाभिया सुन रही है तो भाई भी जरूर बैठे। क्योंकि आप दोनों जब रहेंगे तो आप भी समझेंगे, जब मैं कर सकती हूँ तो हर घर की महिला काम कर सकती है। तो इन्होंने मुझे हिम्मत दी कि नहीं आप कर सकते हो, चलो मैंने काम किया किसोल पे। किसोल पे उस टाइम पे सबसे पहला जो टारगेट आया 25,000 बिजनेस वॉल्यूम 2 महीने में करना था, और फिर हमें ताज मिलना था हमारे जो आदरणीय टीसी सर हैं उनके जन्मदिन पे, वहां पे कॉस्मेटिक भी लॉन्च होने वाले थे। तो हमने 2 बैग में भर भर के, ट्रॉली बैग जो आते हैं, हमने दोनों ने मिलके हर उस रिश्तेदार के यहाँ गए जो हमसे बात भी करना पसंद नहीं करते थे, मिलना भी पसंद नहीं करते थे, हम उनसे कनेक्ट होने के लिए हर एक के पास गए। अपनी तो आरसीएम वालों की आदत होती है, 2 बात करते हैं हालचाल की और तीसरी बात करते हैं अपने काम की। तो अपने काम की बात करी, उसमें से आज भी मैं बता दूं रिपीट ऑर्डर आते ही आते हैं बहुत, क्योंकि अच्छे प्रोडक्ट है हमारे। तो हमने जब उस पे काम किया, जो महीने में 2 मिले थे हमने 1.5 महीने में कंप्लीट कर दिया, और 25,000 का टारगेट था, मैंने 27,200 बिजनेस वॉल्यूम किए थे उस टाइम पे। मैं भीलवाड़ा गई और मुझे जब वहां पे ताज से सम्मानित किया गया, तो मेरे अंदर मुझे महसूस हुआ कि हाँ तू कर सकती है। और उस दिन जब वापस भीलवाड़ा से आ रहे थे, हमारे आदरणीय गुरुदेव विजय ब्रोदिया जी भी हमारे साथ थे, तो उन्होंने सिर्फ मुझे एक बात सिखाई कि आप कर सकते हो, आप बढ़ सकते हो, आगे बढ़ो। मुझे वो आज भी याद है कि किसी का उदाहरण देकर, वो कर सकती है तो तुम भी कर सकते हो। तो मैंने उस दिन से ठान लिया, अगर सबको मेरे ऊपर इतना भरोसा है, मेरे हस्बैंड को इतना भरोसा है, मेरे अपलाइंट को इतना भरोसा है, तो मैं कर सकती हूँ। बस आंख कान नाक सब बंद करके है और चलती रही, जैसे जैसे बताया आगे आगे बढ़ती रही, और
जब मैं चलते चलते मेरा सफर फर्स्ट फेज में मैंने निर्जरा और पीक्यूसी किया, और निर्जरा करते करते मेरा निर्जरा में वहां पे इवेंट जो हुआ था फर्स्ट पीक्यूसी का, निर्जरा का मेरा सम्मान भी हुआ। और उसके बाद मैं निर्जरा में कंटिन्यू रही। फिर ऐसा इंसिडेंट हुआ कि एक दिन मेरा बीपी लो था और मैं बाथरूम गई, चक्कर खा के वहां पे बाथरूम में गिर गई, जिसकी वजह से मेरे सर में चोट आई। और मेरे घर में किसी को भी नहीं पता था इसको चोट लगी है और मेरी याददाश्त चली गई। आप समझ सकते हो, अगर एक महिला जिसके दो बच्चे हैं और मम्मी की याददाश्त चली जाए, और मैं खुद एक बच्चा बन गई, मुझे याद ही नहीं रहा कि मेरी कोई फैमिली भी है, मेरी शादी भी हुई है, मेरे साथ में परिवार में कौन है, बस अपना पहला, शादी से पहला परिवार, मेरा भाई, मेरे पापा, मेरी बहनें, सिर्फ वो मुझे याद था और सब कुछ ब्लैंक हो गया। उस वक्त क्या गुजरी होगी मेरे परिवार पे, उस वक्त क्या गुजरी होगी मेरे बच्चों पे। आज भी जब मैं थोड़ा सा ऐसे भी कर दूंगी तो मेरे बच्चे भी डर जाते, मम्मी क्या हुआ। छोटा सा मेरा बेटा 7 साल का 10 बार पूछेगा, मम्मी क्या हुआ। मेरी याददाश्त चली गई, और याददाश्त आने के बाद जब वापस आई तो मेरे को जब भी दिमाग में अपना कीसोल, क्योंकि उस टाइम निर्जरा कर रही थी, हस्बैंड से पहला क्वेश्चन था, जो मेरा रात टारगेट मिला क्या मैंने वो पूरा किया। तो हस्बैंड ने कहा कोई सब पूरे हो गए, आप सो जाओ, आपकी तबीयत ठीक नहीं। तो मुझे कुछ नहीं हुआ, मुझे तो बीपी लो हुआ, कि कोई बात नहीं आप सो जाओ। तो मुझे पता चला, बहुत सारे लोगों ने मेरे हस्बैंड को बोला कि तू लाखों कमा लेता है फिर भी तुझे अपनी वाइफ से काम कराने की जरूरत पड़ रही है, तूने ही इसका दिमाग खराब करा है, तू ले जाता है इसे बाहर बार बार, और इस पे प्रेशर पड़ा और इसलिए इसकी याददाश्त चली, क्योंकि चोट लगी है मुझे, ये किसी को नहीं पता था, ये सिर्फ मुझे पता था और किसी को भी नहीं पता था, घर पे कोई था ही नहीं। तो मेरे हस्बैंड की उस टाइम पे स्थिति क्या हुई होगी, क्योंकि उन्होंने मुझे सपोर्ट करने में, आगे बढ़ाने में जितनी एनर्जी लगाई, और उन्होंने सोचा मैंने सब कुछ खत्म कर दिया, मैंने अपने वाइफ के साथ ये क्या किया कि उसकी याददाश्त भी चली गई, इतना काम किया, इतना प्रेशर लिया उसने। तो फिर मैंने कहा कोई बात नहीं, मैं नहीं काम करूंगी, पर मैंने एक प्रण लिया मन में, मैंने सोचा कि मैं जब आज काम नहीं कर सकती तो मैं अपने जैसी डुप्लीकेट बनाऊंगी, अगर मैं निर्जरा नहीं कर सकती क्योंकि मुझे क्विट करना पड़ा, तो मैं नहीं कर सकती तो अपने जैसी डुप्लीकेट बनाऊंगी। और बहुत सारी महिला आज मेरे साथ काम कर रही हैं, मैं उनकी भी तस्वीर दिखाऊंगी आपको बाद में, बहुत सारी महिला मेरे साथ काम कर रही है, मेरे कंधे से कंधा मिलाकर चल रही हैं, जहां हमारी टीम में एक भी महिला काम नहीं करती थी, वो मैंने उन्हें इतना अपना डुप्लीकेट बनाया जैसी मैं आज हूं, वो भी उस पे पूरी खरी उतरती हैं और आगे बढ़ रही हैं सारी महिलाएं। और इस खूबसूरत से सिस्टम की वजह से हमें देश विदेश घूमने का मौका मिला, हम दुबई गए, उदयपुर गए, मसूरी गए, बहुत सारी जगह, गैंगटॉक गए क्योंकि सारे फोटो लगाना यहाँ पॉसिबल नहीं था, आगरा गए, मनाली गए, शिमला गए, इस खूबसूरत से सिस्टम की वजह से। और मुझे आगे बढ़ाने में जैसे मेरे हस्बैंड का हाथ है और इन तीन महागुरुओं का भी आशीर्वाद है, उसमें से हमारे आदरणीय विजय विरोधिया सर, जिनकी मैं अभी बात बता रही थी कि उन्होंने मुझे कैसे आगे बढ़ाया, हमारे साबुद्दीन खान सर, जो हमेशा जब भी आते थे वो यही बोल के जाते थे आप कर सकती हो, आप आगे बढ़िए, जहां हमें जरूरत है। तो मैं उनसे कभी भी अपने गुरुओं से बात करती हूँ, जब भी मुझे जरूरत पड़ती है उनसे सीखती रहती हूँ। और हमारे आदरणीय सुदेश सैनी सर और मीनू भाभी, मीनू मैम, ये दोनों मुझे बड़े भाई की तरह, ऐसे जो सुदेश सैनी सर हैं बड़े भाई की तरह सपोर्ट करते हैं हमेशा, कहते ना हर बड़े भाई हाथ होता है सिर पे, इस तरह इनका हाथ मेरे सिर पे है और हमेशा
मुझे आगे बढ़ाने की कोशिश करते रहते हैं। तो मैं अपने तीनों गुरुओं को थैंक्स पे करना चाहूंगी, जिस मुकाम पे मैं आज हूं तो इनकी ही बदौलत मैं हूं। और ये तीन जो गुरु मुझे मिले एवरीडे 1 PM JRCM से, जिसकी वजह से मैं आज अपराजिता के मुकाम पे हूँ। बड़े भाई, मेरा भाई छोटा है तो मुझे बड़ा भाई नहीं था, तो अभिषेक सर आज भी हमें बहनों का दर्जा देते हैं और एक बोलते हैं कि मैं आपका बड़ा भाई हूँ। और हमारे आदरणीय गुरुदेव BC सर, जो पूरे हिंदुस्तान का भाग्य चेंज करते हैं, उनका भी योगदान मेरे भाग्य को चेंज करने में रहा, तो मैं इनको भी नमन करना चाहूंगी। और मैं चाहती हूँ एक बार इनके लिए सब जोरदार तालियां बजाएं, क्योंकि इन्होंने भी योगदान मेरे भाग्य को चेंज करने में दिया और इनका हाथ भी मेरे सर पे सदैव रहता है। और हमारे आदरणीय, उम्र में तो छोटे हैं, संकेत सर, लेकिन इन्होंने एक कोर्स मुझे दिया, बिल्ड योर लेगेसी, कैसे बोलना है, कहाँ बोलना है, कितना बोलना है, वो सिखाया, जिसकी वजह से मैं आज बोल पा रही हूँ। नहीं तो मेरे शब्द भी मेरे मुंह से गायब हो जाते थे, मुझे बोलना कैसे है। ये मैंने अपनी तस्वीर दिखाई, पहले की नूतन और ये आज की नूतन, कितना डिफरेंट आ गया है। जब मैं स्वावलंबी बन सकती हूँ, सारे हिंदुस्तान की महिला स्वावलंबी बन सकती है। और जो हमारा तीसरा उद्देश्य महिला सशक्तिकरण, वो तभी पूरा हो सकता है जब पूरे देश की महिला आगे आए। क्योंकि KPMG और फिक्की की जो रिपोर्ट है, 60% महिला 2025 में आगे आने वाली है। जब 60% का जो है, उसमें सबसे ज्यादा जो योगदान रहेगा वो RCM का रहेगा, क्योंकि RCM में गुड नाइट से लेके गुड मॉर्निंग से लेके गुड नाइट तक के जितने भी प्रोडक्ट आते हैं, सारे यूजेबल वो महिला ही करती है। क्योंकि जो प्रोडक्ट को महिला बता सकती है ये अच्छा है बुरा, जो जेंट्स तो बेचारा वो लाएगा ना, जो महिला लिख के देगी, तो घर की महिला है अगर इसको करे, शुरुआत करे, तो बहुत अच्छे मुकाम पर पहुंच सकती है, उसका परिवार फल फूल सकता है। और जो ये अपराजिता बनी मैं, इसमें मेरी फोटो है, और हमें आशीर्वाद मिला प्रियंका मैम, और हमारी जो आज वीडियो भी आप देख रहे थे, हमारी किरण वेदी जी, जो भारत की पहली IPS बनी। क्योंकि कहते हैं ना, जो पहला है वही अच्छा होता है, जो पहली ये बनी, अब तो बहुत सारी है, तो हम भी पहली अपराजिता ही बनी। अब तो धीरे धीरे हम औरों को भी जोड़ रहे हैं, क्योंकि हमारा मकसद है पूरे हिंदुस्तान की बहनों को साथ लेके चलना, पूरे हिंदुस्तान में अपराजिता की वो अलग जगाना, क्योंकि हर नारी कर सकती है। क्योंकि कहते हैं आज की नारी नहीं है बेचारी, वो भी बन सकती है व्यापारी, क्योंकि RCM की है बहुत बड़ी तैयारी, और उसने महिला सशक्तिकरण की जो अलग जगाई है। आज तक सब सोचते थे महिला सशक्तिकरण होना चाहिए, होना चाहिए, होना चाहिए, लेकिन जो हमारी प्रियंका मैम ने हमें सपना दिखाया, तो वो पूरा होता नजर आया था इंदिरा गांधी स्टेडियम में, जिसमें बहुत सारी महिला पिंक कोट पहने हुई थी, और उसमें से बहुत सारे हमारे भाई ब्लू कोट में भी थे। और मुझे याद है धनराज जो सर हैं आज के होस्ट, ये भी ब्लू कोट में थे, और मेरे हस्बैंड ने भी ब्लू कोट पहना हुआ था। तो किस ओल से जेंट्स भी आगे बढ़ रहे हैं, ऐसा नहीं कि महिलाएं आगे बढ़ रही है, पर किस ओल ने हमें एक राह दिखाई हम महिलाओं को। आइए देखते हैं हमारी जो आज की वो IPS है, वो उस टाइम हमारे प्रोग्राम में जब आई थी इंदिरा गांधी में, तो उन्होंने क्या महिलाओं के लिए बोला। यहाँ प्रधानमंत्री जी होने चाहिए थे, ये तो दृश्य उनके लिए है, ये दृश्य हमारे प्रधानमंत्री जी के लिए है, ये वही दृश्य है जो इतने सालों से वो कहते आ रहे हैं, और आपने उनको करके दिखाया। और अगर प्रधानमंत्री जी ना आते तो ये निर्मला जी के लिए भी था, क्योंकि इकोनॉमिक डेवलपमेंट भी उसी का है। सारे जने मेरे साथ मिलके बोले जय RCM, जय RCM, जय RCM, जय भारत, जय भारत, जय भारत, जय भारत।
आपने सुना इनकी बातों को कि ये नजारा तो उनके लिए था, प्रधानमंत्री जी के लिए, क्योंकि उन्होंने सोचा था, उनका सपना था ये। तो सपना तो बहुत लोग देख रहे थे, लेकिन ये मुमकिन जो हो पाया आरसीएम की वजह से हो पाया, किसोल की वजह से हो पाया, प्रियंका मैम की वजह से हो पाया, जिसकी वजह से इनको अवार्ड भी मिला है। जैसे आप सभी बहन और भाइयों को पता होगा, उनको अवार्ड से भी सम्मानित किया गया है, महिलाओं को आगे बढ़ाने के लिए। बहुत सारे लोगों की आंखों में सपने होते होंगे कि मेरी एक लग्जरी कार हो, क्योंकि मेरे भी सपने हैं और आप लोगों के भी सपने हैं। तो मैं आज बस आपको विजुलाइज कराना चाहती हूँ कि बहुत सारे लोगों के सपने होते हैं लग्जरी कार के, बहुत सारे लोगों के सपने होते हैं लग्जरी मैंसन के। हमारे कोठारी जी जो है, आदरणीय कोठारी जी, उनका जो बंगला है खूबसूरत सा, जो लगभग 25 करोड़ का है, ज्यादा भी हो सकता है, क्योंकि उनका जो लग्जरी मैंसन है, हर किसी का सपना होता है, हर किसी का सपना होता है मेरे पास फ्रीडम हो पैसे की, बारिश की तरह मेरे पास पैसा हो, जब भी मैं कुछ खरीदने जाऊं तो मुझे टैग देखना ना पड़े वो कितने का है, एकदम मैं ले लूं। तो उन किसका सपना पूरा है? हमारे कोर लीडर्स का, यूएस का, के जो कोर लीडर है उनका पास आज ये सब कुछ है, मेंशन है, गाड़ी है, फ्रीडम है पैसे का। तो हमें अपने जो हमारे कोर लीडर्स हैं उनके पदचिन्हों पे चल के आगे बढ़ना है और उन्हीं की तरह अपने भी सपने पूरे करने हैं।